हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि आपने जो भी प्लांट्स प्रून किए हैं, प्रूनिंग करने के बाद कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो आपको अपने प्लांट्स के अंदर अप्लाई करने होंगे, और बाद में फ्रेंड्स मैं अपने जो गार्डन का ओवरव्यू है वो गार्डन का ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लांट्स की कंडीशन शेयर करूंगा और कुछ ऐसे मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे विंटर प्लांट्स हैं, जो हमारे पेटूनियाज वगैरह हैं, वो बहुत ही सुंदर अभी चल रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी पेटूनियाज धीरे धीरे करके बुशी बन रहे हैं जैसे कि देख रहे हैं। और सबसे फेवरेट प्लांट मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है मेरे, या फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये लोकल नर्सरीज में इजीली नहीं मिलता, और वो प्लांट है फ्रेंड्स बेबी सनरोज। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा बेबी सनरोज का प्लांट है। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट मुझे मेरे रिलेटिव के यहाँ से, नज़दीक के रिलेटिव के यहाँ से मिल गया था। मैंने कटिंग ली थी, छोटी सी कटिंग, दो तीन कटिंग फ्रेंड्स मैंने लगाई थी, और अभी ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट पूरा बुशी हो चुका है। ये प्लांट के पीछे फ्रेंड्स मैं काम कर रहा हूँ लास्ट मानसून की सीज़न से। लास्ट मानसून की सीज़न में फ्रेंड्स मैंने ये टोकरी के अंदर फ्रेंड्स ये जो प्लांट है इसकी कटिंग्स लगा दी थी, और बस मैं ये प्लांट को बुशी बनाते गया। ये प्लांट के ऊपर अगर आप पिंचिंग करते रहोगे फ्रेंड्स, तो ये प्लांट आपका बहुत ज़्यादा बुशी बन जाएगा, और ये बेबी सनरोज का प्लांट समर सीज़न में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स आपको दे सकेगा। और जैसे कि फ्रेंड्स मेरा आगे का प्लानिंग ये है कि मेरा ये जो बेबी सनरोज का प्लांट है, ये बेबी सनरोज के प्लांट की कटिंग्स फ्रेंड्स मैं लगा दूं, और आगे चल के ये प्लांट को मैं और ज़्यादा मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे गार्डन में ये प्लांट बढ़ते जाए। इसके ऊपर बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स समर सीज़न में, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है, और ये प्लांट को मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लूँगा। उसके नीचे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे बेगोनियाज है। बेगोनियाज भी फ्रेंड्स समर सीजन में आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके दे सकते हैं। तो बेगोनियाज पूरे साल चलने वाले प्लांट्स में से, बस हल्की सी थोड़ी सी केयर करनी है, इसको ज़्यादा धूप नहीं देनी है, ब्राइटनेस वाले लोकेशन में रखिए। जैसे कि ये जो देख रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे धूप नहीं आती, जबकि ये जो मेरा बेबी सनरोज का प्लांट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट चाहिए, तो ये फ्लावरिंग्स बहुत ही अच्छी कर पाएगा। तो समर सीजन के जो प्लांट्स है फ्रेंड्स, उसकी मैं तैयारी करना फ्रेंड्स मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर लिया है, ताकि आगे चल के मेरे जो समर गार्डन में फ्लावर्स आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो ये मेरा प्लानिंग है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। मॉसरोज की कटिंग्स भी फ्रेंड्स मैं लगाना मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो मॉसरोज भी फ्रेंड्स मेरे यहाँ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे जो जितने भी पेटूनियाज मेरे लगे हैं, ये सारे पेटूनियाज जैसे ही वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब धीरे धीरे करके फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मॉसरोज ग्रो करना स्टार्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये एरिया हमेशा मेरा फ्लावर्स से भरा रहेगा। अब जहाँ तक फ्रेंड्स ये जो प्लूमेरिया का प्लांट है, उसके ऊपर भी फ्रेंड्स मैं मॉसरोज की जो बोटल के अंदर फ्रेंड्स जो मॉसरोज ग्रो किया जाता है, तो मैं बोटल के अंदर मॉसरोज ग्रो करके यहाँ पे हैंग कर लूँगा, ताकि इसके ऊपर भी ये जो खाली स्टेम है वो थोड़ी सी फ्लावर्स से भरी हुई दिखे। तो ऐसा फ्रेंड्स मेरा कुछ प्लानिंग है। तो आगे चल के फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं अपने समर गार्डन के लिए तैयार करना स्टार्ट कर लूँगा। अब दूसरी जो चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पे है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया है मेरा, यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैंने जो वाइट कंटेनर मेरे पास थे, वाइट कंटेनर के अंदर मैंने मॉसरोज लगा दिए हैं। तो ये प्लांट जो यहाँ पे जो ये एरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारे जो मॉसरोज है वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे पाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं, ये सारे मैंने वाइट कंटेनर रख लिए हैं। कुछ फ्रेंड्स मैंने मॉसरोज के प्लांट्स भी मैंने परचेज कर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारे मॉसरोज के कुछ प्लांट्स मैंने परचेज किए हैं। और यहाँ पे इंडोर सेक्शन में जो प्लांट ऊपर जो लगे हैं येलो कंटेनर के अंदर, वो सारे प्लांट्स मैं निकाल दूंगा, उसकी जगह पे फ्रेंड्स मैं मॉसरोज की कटिंग्स डाल दूंगा, या तो पर्सुलेन की कटिंग्स डाल दूंगा। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमारे जो फ्लावरिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके फ्रेंड्स कुछ ये हिसाब से मैं अपना समर गार्डन रेडी करना मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा रात रानी का प्लांट है, रात रानी के प्लांट के ऊपर फ्लावर्स सारे खत्म होने पर आ चुके हैं। अब ये प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स मैं प्रूनिंग करूंगा, तो इसकी प्रूनिंग की रिलेटेड वीडियो आएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि मॉस, ये जो हमारे रात रानी का प्लांट है, इसके ऊपर मैं कहाँ से प्रूनिंग करता हूँ, और ये प्लांट को फ्रेंड्स हमें कैसे फ्लावरिंग्स पे लाने की कोशिश करनी है। वैसे फ्रेंड्स ये बहुत ही मूडी प्लांट होता है, रेगुलरली फ्लावरिंग्स नहीं देता, ये सीजन टू सीजन चलता है, जैसे कि सीजन चेंज होती है तभी ये फ्लावरिंग्स देगा। तो मे बी फ्रेंड्स अभी जो स्प्रिंग सीजन हमारे यहाँ चल रही है, स्प्रिंग सीजन से हमारे यहाँ गर्मियों की सीजन आना स्टार्ट हो जाएगी, तब शायद इसके ऊपर फिर से एक बार फ्लावरिंग्स हो पाएगी।
तो इसीलिए फ्रेंड्स एक बार यहाँ पे इसके फ्लावरिंग्स आना खत्म हो जाए उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को ट्रिम कर देना है। उसके बाद जो फर्टिलाइजर मैं आपको बोलूंगा वो फर्टिलाइजर आप अप्लाई करिए तो ये प्लांट आपको फिर से फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट करेगा। अब जो भी हमने हाइबिस्कस के ऊपर ट्रिमिंग की थी, हाइबिस्कस के ऊपर ट्रिमिंग करने के बाद हाइबिस्कस के ऊपर बहुत सारे न्यू लीव्स जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सारे नए लीव्स मेरे प्लांट के ऊपर जनरेट हो चुके हैं, यहाँ पे भी देखिए। तो प्रूनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रूनिंग करोगे तो बाद में प्लांट के ऊपर नए लीव्स जनरेट होंगे और ये जो लीव्स है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इजीली कर पाएंगे, आपका जो प्लांट है वो बुशी बनेगा और आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे भी सारे नए लीव्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, जो वहां से हमने ब्रांच को कट किया था उसके पीछे से सारे न्यू लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। जब आपके प्लांट के ऊपर प्रूनिंग के बाद कुछ ये हिसाब से फ्रेंड्स न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाए तब हमें दो इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है ताकि आपका जो प्लांट है बहुत ही इजीली फ्लावरिंग्स दे पाए, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जो मैरीगोल्ड्स फ्रेंड्स मैं लाया था लास्ट संडे में, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मैरीगोल्ड्स, बहुत सारे मैरीगोल्ड्स फ्रेंड्स 20 मैरीगोल्ड्स मैं लाया था, तो आज संडे के दिन फ्रेंड्स मैं ये सारे मैरीगोल्ड्स को पॉट्स के अंदर डाल दूंगा और अच्छी तरह फ्रेंड्स इसकी केयर करना स्टार्ट कर लूंगा। वैसे फ्रेंड्स मैंने ये जो प्लांट है ये सारे प्लांट्स की केयर फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी करना मैंने स्टार्ट कर लिया है, ऊपर फ्रेंड्स फर्टिलाइजर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर लिया है, इंसेक्टिसाइड भी अप्लाई करना स्टार्ट कर लिया है ताकि ये जो प्लांट है हमारे आगे चल के समर सीजन में भी ब्लूम्स दे सके। वैसे फुल समर्स में तो कोई प्लांट इतना ज्यादा ब्लूम्स नहीं देता, बहुत ही कम ऐसे प्लांट होते हैं जो फुल समर्स में ब्लूम्स करते हैं, लेकिन मैरीगोल्ड्स फ्रेंड्स आपको अप टू मार्च अप्रैल तक बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकता है, बाद में जो मई जून का महीना है तब शायद ये फ्लावर्स बहुत छोटे देंगे या तो फ्लावर्स नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी तब ये हमारे मैरीगोल्ड्स फिर से बहुत ही अच्छी ब्लूम्स करना स्टार्ट कर लेंगे। हमारे जो क्रिसेंथेमम्स जैसे कि देख रहे हैं अभी भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स हो रही है, तो मेरे यहाँ नर्सरीज में फ्रेंड्स ये जो कलर है ये बहुत ही सुंदर कलर है, ये कलर के क्रिसेंथेमम्स मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि क्रिसेंथेमम्स की क्वांटिटी मैं अपने गार्डन में थोड़ी सी और बढ़ा दूँ, यानी कि फ्रेंड्स मैं अपने गार्डन में थोड़े और दूसरे 6 से 7 क्रिसेंथेमम्स बढ़ा दूँ ताकि नेक्स्ट विंटर सीजन तक फ्रेंड्स ये जो मेरा सेंटर पोर्शन वाला एरिया है जो क्रिसमस ट्री के ठीक सराउंडिंग में, यहाँ पे सारे मेरे क्रिसेंथेमम्स आ जाएंगे, तो ये मेरा फ्यूचर का प्लानिंग है। तो अभी जो प्लांट अगर क्रिसेंथेमम्स के आपके यहाँ मिल रहे हैं, छोटे छोटे पौधे मिल रहे हैं, तो वो पौधे ज़्यादा सस्ते हो, ज़्यादा महंगे नहीं होते, जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग्स होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ये हिसाब से, ये तो मैंने कटिंग से ग्रो किया था तो ये प्लांट भी अभी फ्लावरिंग्स दे रहा है, तो ये प्लांट को फ्रेंड्स हमें कुछ ये हिसाब से बुशी बनाना है, तो बाद में अभी जैसे ही क्रिसेंथेमम्स की जो सीजन है वो खत्म होने पे आ चुकी है, फरवरी एंड तक फ्रेंड्स इसके ऊपर से फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करनी है, जो सकर्स होते हैं इसके ये जो देख रही है सारे सकर्स निकल रही है, सकर्स के ऊपर से हमें ग्रोथ लेनी है और बाद में धीरे धीरे हमें उसको पिंच करते रहना है। अगर आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हो तो जून जुलाई के महीने में रिपोर्ट भी कर सकते हो और बाद में बस अपने प्लांट के ऊपर आप पिंचिंग करते रहिए, पिंचिंग करने से ये जो प्लांट है आपका बहुत ज़्यादा बुशी बनेगा और नेक्स्ट विंटर्स तक फ्रेंड्स ये आपका बुशी प्लांट फुल फ्लावरिंग्स के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये होता है फ्रेंड्स क्रिसेंथेमम्स का, पूरे साल की मेहनत होती है, एक दो दिन एक दो महीने का सवाल नहीं है, इसके पीछे आपको पूरे साल ध्यान देना होगा। तो क्रिसेंथेमम्स तो हमारे बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और मैंने आपको आगे बताया था कि क्रिसेंथेमम्स से रिलेटेड मुझे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त से मिली है जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी है। तो ये जो क्रिसेंथेमम्स तो बहुत ही अच्छे अभी हो रहे हैं, पॉन्सेटियास के ऊपर रेड लीव्स हो रहे हैं, सारे प्लांट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। एक चीज़ फ्रेंड्स आपने नोट की होगी मेरे गार्डन में, जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे हमारे पहले कोलियस मैंने रखे हुए थे, अब यहाँ पे फ्रेंड्स कोलियस को मैंने यहाँ से हटा दिया है, कोलियस को हटा के फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे उसको शिफ्ट कर लिया है, जैसे कि देख रहे हो मैंने यहाँ पे ये लोकेशन में कोलियस को शिफ्ट किया है। अब ये लोकेशन में कोलियस को शिफ्ट करने का रीज़न ये है, जैसे कि अभी धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होगा, गर्मियाँ स्टार्ट होगी, सनलाइट जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो कोलियस है वो ख़राब हो सकते हैं, यानी कि कोलियस को बहुत ज़्यादा गर्म सनलाइट पसंद नहीं होती, तो समर सीज़न में फ्रेंड्स हमें उसको ऐसे लोकेशन में शिफ्ट करना है जहाँ पे फिल्टर होके सनलाइट आती है, जैसे कि ये जो ग्रीन नेट देख रहे हैं ग्रीन नेट से फिल्टर होके इसके ऊपर सनलाइट आएगी तो इसको सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने इसको ओपन सनलाइट में ये प्लांट को रखा तो बाद में ये प्लांट स्ट्रेस में चले जाएंगे और समर सीजन में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। कोलियस के ऊपर फ्रेंड्स प्रूनिंग की वीडियो मेरी मौजूद है, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। जैसे कि देख रहे हैं मैंने अपने कोलियस के ऊपर ट्रिमिंग कर ली है, ट्रिमिंग करने से फ्रेंड्स ये प्लांट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, यानी कि
वो अपने ही वजन की वजह से फ्रेंड्स प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। ट्रिमिंग करोगे तो वो उसका वजन मेंटेन हो जाएगा और बाद में फ्रेंड्स ये न्यू शूट्स निकालेगा, बुशी बनेगा और बाद में आप अपने प्लांट को एंजॉय कर सकते हो, उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। अब मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स की, जैसे कि देख रहे हो ये जो प्लांट है हमारा हाइबिस्कस का प्लांट है जो ड्वार्फ हाइबिस्कस है, और ये प्लांट को हमने ग्रो किया था ऑलमोस्ट महीने दो महीना हो चुका होगा और ये प्लांट केज में लगा था और अभी भी ये प्लांट की कंडीशन मेरे यहाँ बहुत ही अच्छी चल रही है, फ्लावरिंग्स अभी भी उसके ऊपर हो रहे हैं, तो ये प्लांट मेरा बढ़िया चल रहा है। आने वाली सीजन में फ्रेंड्स मैंने गार्डेनिया को तैयार करना स्टार्ट कर लिया है, जैसे कि देख रहे हैं ये मेरा गार्डेनिया का प्लांट है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यू शूट्स न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। ये प्लांट की कंडीशन बहुत खराब थी मेरे यहाँ और बाद में फ्रेंड्स मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर वगैरह अप्लाई करके ये जो प्लांट है उसको मैंने अभी सही बना दिया है। अब ये प्लांट ब्लूम्स पे लिए तैयार है। अब ब्लूम्स लाने के लिए फ्रेंड्स मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जिसकी वजह से इसके ऊपर मैक्सिमम ब्लूम्स आए, तो मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। अभी गार्डेनिया को तैयार करने की सीजन आ चुकी है, अप टू मार्च अप्रैल महीने तक ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकेगा और बारिश की सीजन में भी फ्रेंड्स ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छे ब्लूम्स दे सकता है। तो ये तो गार्डेनिया की बात हो गई। अब फ्रेंड्स मैं आपको फर्टिलाइजर बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करते हो। देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मेरा मोगरा का प्लांट है, मोगरा के प्लांट के ऊपर ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आपको दिखेगा ये जो देख रहे हो छोटी छोटी सी न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ये वाले पोर्शन में भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये छोटे सा जो छोटा सा जो पोर्शन है वहां से न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो ये जो प्लांट है ये प्लांट अभी ग्रोथ करना इसने स्टार्ट कर लिया है। जैसे ही फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर आप जो भी प्लांट आप प्रून करते हो इसके ऊपर फ्रेंड्स अगर आपको ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाए तब फ्रेंड्स आपको दो फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंटली आपको स्प्रे करना होगा। उनमें से सबसे पहला फर्टिलाइजर है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का स्प्रे करना। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर की वजह से आपके जो प्लांट की जो ग्रोथ होगी, न्यू लीव्स होंगे, वो ग्रीन निकलेंगे। अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे नहीं किया तो बाद में जो भी नई ग्रोथ होगी यानी कि जो नए पत्ते आपके प्लांट के ऊपर से निकलेंगे वो पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके प्लांट के ऊपर से लाइट ग्रीन कलर के पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाए। खास करके फ्रेंड्स अगर आपने एक्सोरा और हाइबिस्कस जैसे प्लांट को ट्रिम किया है तो उसको फ्रेंड्स अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के लीव्स है वो स्लाइटली येलोइश या तो लाइट ग्रीन कलर के लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना स्प्रे करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रेंड्स हमें स्प्रे करना होगा 15 दिन में एक बार 2 ग्राम 1 लीटर पानी में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिक्स कर लेना है और बाद में हमें अपने सारे प्लांट्स के ऊपर जहाँ पे भी फ्रेंड्स हमें ट्रिमिंग प्रूनिंग की है वो प्लांट के ऊपर हमें स्प्रे करना स्टार्ट कर लेना है। मैं आपको मेरा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बता देता हूँ और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का लिंक भी फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूँ ताकि आप वहाँ से वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये उत्कर्ष ब्रांड का है और ये उत्कर्ष ब्रांड का डबल कॉम्बी करके फ्रेंड्स एक प्रोडक्ट आता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है फ्रेंड्स ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाद में जिंक, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर और मॉलीबेडम, कोबाल्ट, ये सारे न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं जो ओवरऑल आपके जो प्लांट की ग्रोथ है उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। सारे लीव्स की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी निकल के आएगी। तो ये तो पहला फर्टिलाइजर हो गया जो आपको स्प्रे करना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक दूसरा फर्टिलाइजर बताऊंगा जो आपको नेसेसरी है आपके प्लांट के ऊपर ग्रोथ लाने के लिए और वो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स ग्रोथ रेगुलेटर फर्टिलाइजर। आप ग्रोथ प्रमोटर बोल दीजिए या तो ग्रोथ रेगुलेटर बोल लीजिए, ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स अगर आप फर्टिलाइजर की शॉप में जाओगे तो आप उसको बोलोगे कि ग्रोथ रेगुलेटर फर्टिलाइजर चाहिए या तो ग्रोथ प्रमोटर फर्टिलाइजर चाहिए तो वो समझ जाएगा, तो वो हिसाब से वो फर्टिलाइजर आपको प्रोवाइड करेगा। ये जो फर्टिलाइजर होता है बेसिकली फ्रेंड्स प्लांट के हॉर्मोन्स बढ़ाने के लिए होते हैं, यानी कि जब आप अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग वगैरह करते हो तो बाद में प्लांट को कुछ ऐसे हॉर्मोन्स की जरूरत होती है जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर सके, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें ग्रोथ प्रमोटर या तो ग्रोथ रेगुलेटर फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स कि मैं कौन सा ग्रोथ प्रमोटर फर्टिलाइजर यूज करता हूं। अलग अलग नाम से मिलते हैं मार्केट में, तो मैं उत्कर्ष ब्रांड का फ्रेंड्स स्ट्रेस फ्री फर्टिलाइजर करके आता है वो मैं यूज करता हूं। अब ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स ये फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना तो ऑनलाइन कर सकते हो या तो आप लोकल मार्केट में सिर्फ ग्रोथ प्रमोटर फर्टिलाइजर अगर आप अपने शॉपकीपर को बोलोगे फर्टिलाइजर वाले को बोलोगे तो वो आपको दे देगा।
इसमें फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हो इसका जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो हमें देखना है। इसके अंदर बेसिकली जो ग्रोथ प्रमोटर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो है ऑक्सिन, साइटोकिनिन, कार्बोक्सिलिक, एमिनो एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये सारा फ्रेंड्स मटेरियल होना जरूरी है, ये सारे न्यूट्रिशंस होना जरूरी है। अगर ये सारे न्यूट्रिशंस होंगे तो बाद में आपके जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स फर्टिलाइजर की शॉप में जाओगे तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे कंटेंट जो लिखा हुआ होता है कंटेंट में फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा वेरिएशन भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सिन, साइटोकिनिन और बाद में एमिनो एसिड्स और सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये चीज फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो ग्रोथ प्रमोटर है फ्रेंड्स, ये ग्रोथ प्रमोटर हमें 15 दिन में एक बार स्प्रे करना होता है हमारे प्लांट्स के ऊपर। हमें बस 2 ml लेना है, 1 liter पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, 15 दिन में एक बार आप अपने प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे कर लीजिए। अब ये ग्रोथ प्रमोटर फ्रेंड्स आपको तब तक स्प्रे करना है जब तक आपके प्लांट के ऊपर फुल्ली आपका जो प्लांट है वो बुशी ना बन जाए, अपनी ग्रोथ पूरी कंप्लीट ना कर ले, तब तक हमें इसके ऊपर इसका स्प्रे करना है। तो ये दो फर्टिलाइजर तो कंपलसरी आपको अप्लाई करने ही है ताकि आपका जो डोरमेंसी में गया हुआ प्लांट फिर से न्यू लीव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर ले, या तो उसके ऊपर जैसे ही छोटी छोटी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है तब फ्रेंड्स ये ग्रोथ प्रमोटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी दूसरे जो फर्टिलाइजर मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, जैसे कि अगर आप बैलेंस एनपीके स्प्रे करते हो या तो कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर स्प्रे करते हो, वो तो आपको स्प्रे करना ही है क्योंकि वो एक न्यूट्रिशंस है। न्यूट्रिशंस और ग्रोथ प्रमोटर दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। न्यूट्रिशंस बेसिकली एनपीके लेवल्स होते हैं और ये जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो हॉर्मोन्स होते हैं। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है और दोनों को फ्रेंड्स मिक्स करके भी हमें स्प्रे नहीं करना है, दोनों को अलग अलग स्प्रे करिए। तो दोनों को स्प्रे करने में भी फ्रेंड्स आप 2 से 3 दिन का गैप रखिए ताकि आपके प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो ये ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको करनी होगी अगर आपने प्लांट को ट्रिम किया है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।